हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की। तो चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। सबसे ज़रूरी हमें ये जानना है कि इम्पीचमेंट आखिर होता क्या है। देखिए, इम्पीचमेंट एक ऐसा मेथड होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करके प्रेसिडेंट को उसके पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए इसके प्रोसेस पर आते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउस में से किसी भी हाउस में शुरू किया जा सकता है, किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है। अब जिस भी हाउस में इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू किया जाता है उस हाउस के 1/4 मेंबर, फिर से बोलता हूँ, उस हाउस के 1/4 मेंबर्स के द्वारा साइन किया जाना चाहिए। यानी कि हाँ, 1/4 मेंबर्स तैयार होने चाहिए साइन करके कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू किया जा सकता है। इसके बाद जो है, इस इम्पीचमेंट मोशन आने के पहले 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाना चाहिए प्रेसिडेंट को। ठीक है, अब जब इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन होता है जिस भी हाउस में इनिशिएट किया गया है, यदि उस हाउस में 2/3 मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो फिर ये दूसरे हाउस में भेजा जाता है। मान लेते हैं यदि लोकसभा में शुरुआत हुई इम्पीचमेंट मोशन की, इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन की, तो जब यहाँ से पास हो गया तो इसके बाद अभी जाएगा राज्यसभा में, या वाइस वर्सा, यानी उल्टा भी हो सकता है, राज्यसभा से शुरू होकर लोकसभा में भी जा सकता है। अब जब ये दूसरे हाउस में जाएगा तो दूसरा हाउस क्या करेगा, जो भी चार्जेस हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रेसिडेंट के पास भी अधिकार होता है, प्रेसिडेंट का भी ये राइट होता है कि वो अपियर हो सके या अपना रिप्रेजेंटेशन दे सके, समझ गए। और यदि दूसरा हाउस भी है वो चार्जेस को सस्टेन करता है, यदि वो पाता है कि जो चार्जेस हैं वो सही है, और दूसरा हाउस भी यदि 2/3 ऑफ मेजॉरिटी से जो इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन है वो पास कर देता है, ऐसी स्थिति में हमारे प्रेसिडेंट साहब की नैया डूब जाती है, प्रेसिडेंट साहब को अपना ऑफिस छोड़ना पड़ता है, समझ गए। अभी जो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले बात तो आप ये जान लीजिए कि एक क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर होता है। अब इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं हमारी पार्लियामेंट के, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जब इम्पीचमेंट होगा तब वो ज़रूर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते थे वो पार्टिसिपेट करते थे इलेक्शन में, लेकिन अब वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इम्पीचमेंट के प्रोसेस में। इसके अलावा जो दिल्ली और पुडुचेरी के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं वो इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पिछले लेक्चर में एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, उसको देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट, ऐसे कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए ऐसा व्यक्ति। दूसरा है कि वो अपनी 35 ईयर तक एक एज कंप्लीट कर लेनी चाहिए उसे, और लोकसभा की मेंबरशिप के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए उसके पास, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको सैलरी नहीं मिलनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट से सैलरी नहीं मिलनी चाहिए, और किसी लोकल अथॉरिटी से भी उसे सैलरी नहीं मिलनी चाहिए। अब जो प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन होता है उसमें उसको सपोर्ट किया जाना चाहिए, उसको सब्सक्राइब किया जाना चाहिए 50 मेंबर्स एज प्रपोजर्स और 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। इसका क्या मतलब होता है कि 50 इलेक्टर्स हैं वो प्रपोजर्स बनते हैं, प्रपोजर्स का मतलब होता है वो उसके प्रस्तावक बनते हैं, यानी कि वो उसके सपोर्ट में उसके नॉमिनेशन को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स, सेकेंडर्स क्या होता है, सेकेंडर्स ऐसे इलेक्टर्स होते हैं जो प्रपोजर्स की बात को सपोर्ट करते हैं, समझ के। 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स और 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। इसके अलावा जो कैंडिडेट होता है उसको 15,000 रुपये RBI में डिपॉजिट करने होते हैं, और यदि कैंडिडेट जो है वोटिंग के दौरान 1/6 वोट हासिल नहीं कर पाता है तो जो उसने 15,000 रुपये जमा किए थे RBI में वो उसे वापस नहीं मिलेंगे, वो RBI फोरफिट कर लेगा। इसका मतलब क्या, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, समझ गए। तो ये थोड़ा सा जो पार्ट वो रह गया था वो अभी हमने कवर कर लिया। थैंक यू वेरी मच।